आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारा सलाम।
मैं ये समझाने के लिए कहा करता हूँ कि ये आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंबिया का वारिस बना रहे हैं, रुतबे अंबिया भी आपके सामने होना चाहिए, मरातिब अंबिया भी होना चाहिए कि वो कौन है। अगर वो ऐसे ही है वरना फिर गैर मजहब के मुनाफिकों को कहना कि बस ये तो अहले बैत ही को मानते हैं, अहले बैत के अलावा किसी को मानते ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मादल्ला हम ये नहीं कहते कि हम अहले बैत को मानते, हमको ये फख्र है कि दरे आले मोहम्मद से वाबस्ता होने के बाद हमारा छोटा सा बच्चा भी चाहे आलिम फाजिल मुज्तहिद नहीं है वो भी इतना जानता है कि किसका मर्तबा कितना बड़ा है, किसका मर्तबा कितना बड़ा है। कम नहीं मानता और अतीजे की तारीफ भी यह है कि उसका हद से एतराज से हद से आगे बढ़ जाना कुफ्र है और हद से पीछे हट जाना भी कुफ्र है। अगर उसको आपने हद से पीछे कर दिया तो वो भी कुफ्र हो जाएगा, भाई क्या कहना, आगे बढ़ा दिया तो वो भी कुफ्र हो जाएगा। मालूम हुआ कि हद से एतराज का नाम ईमान और इस्लाम है। अगर हजरत आदम, अभी मैं बात कर पढ़ूंगा आयत की, अगर हजरत आदम को कोई मकाम नहीं है तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई शख्स अगर आयतुल्लाह है। मैं मिसाल में समझाऊं, मेरा मोहतर महिला समझे, मेरा मोहतर मजमा समझे कि अगर कोई आयतुल्लाह है और आप किसी हुज्जत इस्लाम की तरफ उंगली रखते हुए ये कहें, अगर किसी हुज्जत इस्लाम की तरफ उंगली करते हुए ये कह दें मुझसे कि है गुलाम मौलाना के बारे में, तो इसके माना ये है कि भाई बड़ा आदमी छोटे का वारिस कैसे होगा। अरे ये आयतुल्लाह है, ये हुज्जत इस्लाम है, यानी इसके माना ये है कि मर्तबे को घटा दिया, मर्तबे को कम कर दिया। इसके माना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम बड़े मर्तबे के हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन पांचों अंबिया के लिए तजली और तफसील में नहीं जा रहा हूँ मैं, कि इन पांचों अंबिया के लिए जब सरकार सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारदा हर मोमिन आए दिन और रोज पढ़ता है, जिसे तो भी थे वो पांच अंबिया अलैहिस्सलाम का उनको वारिस बनाता है। इसके माना ये है कि हर नबी अपने जमाने में एक ही कमाल का वारिस था, मगर सैयदना जवाब है तमाम चीजों के बाद अगर आप आयात को देखें तलाश करें, जी कुरान भी कह रहा है जनाबी यूनुस पैगंबर है, और अगर गलती न करते ताली पड़ी है आयात की पूर्व नाम की तारीख को पता लिया कर दीजिए, काहे के लिए जो है मछली के पेट में चले। अल्लाह की बात हम हमारे तमाम किताबें मौजूद हैं, ये बात तमाम मुजिबान हुसैन की तो आयशान हुसैन माशाला ये कहाँ से वो बोल देंगे जो कुछ करता है वो खुदा करता है, ये दरे हुसैन का ही शरफ है, कहते हैं जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है, वो हुसैन का दुश्मन होगा, वो यजीद जमाना होगा जो ये कहता कहेगा कि जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है, कितनी आयतों में तो है, तो ये हुसैन का शरफ है।
ये दर आले मोहम्मद का शरफ है कि जो आदमी दर हुसैन से वाबस्ता होने के बाद ये कह रहा है कि ये हमसे अगर गलती हुई है तो अल्लाह ने नहीं करवाई है बल्कि हमने। हर नेकी अल्लाह की तरफ से है, हर नेकी अल्लाह की तरफ से है, हर गुनाह बंदे की तरफ से, हर गुनाह बंदे की तरफ से। यानी अगर हमें नमाज के पाबंद है, नमाज जब भी हम पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तो हमें अपने इबादत पर नाराज नहीं होना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग पर नशा नहीं आना चाहिए, मैं बड़ा अच्छा आदमी हो गया, बड़ा बड़ा इबादत गुजार हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। नहीं, अगर यही बात आ गई तो सब अमाल बेकार हो जाएंगे, बल्कि ये ध्यान करना चाहिए मालिक तेरी तौफीक है कि तूने मुझे इबादत की। क्या कहना है बाप, जमीन का भी वारिस बनाया,
अल्लाह ने सारे बंदों को जन्नत का भी वारिस बनाया है, यानी जमीन का भी वारिस बनाया है और जन्नत का भी वारिस बनाया है। अब उसे जो इनका एंटी और मुखालिफ है ना, उसे यहाँ रहने का हक है, उसकी दुनिया भी खराब है और जन्नत भी खराब है। इसलिए जब तक वारिस की इजाजत नहीं होगी, मालिक की इजाजत नहीं होगी, तो न नमाज सही होगी, न रोजा सही होगा, न कोई अमल सही होगा। हमारे मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, हम कई करते हैं, हमारी नमाज भी कबूल है, हमारा रोजा भी कबूल है, हमारा हज भी कबूल है, हमारा अमल हमारा मकबूल है। इसलिए कि हम उनको मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जो जन्नत के वारिस और मालिक थे। इसलिए कह सकते उनसे मोहब्बत न की जाए। अगर दूसरे की जगह पे नमाज पढ़ने लगोगे, नमाज कैसे सही हो जाएगी? क्या कहना भाई, किसी गैर मुस्लिम की भी चीज लेना मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, हराम है। अरे आले मोहम्मद की चीज वाले आ रहा हो, आपके खाने की क्या जरूरत है? मगर
जरिए मोहब्बत है आपत है आप, वो मोहताज नहीं है आप उनके मोहताज हैं, वो आपके मोहताज नहीं है। अरे उनका गुलाम भी मोहताज नहीं है आपका, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, उल्लू नहीं है, हाय हाय हाय, जो हद है उसका है, उस हद के बराबर में लाते हैं, कोई हो तो सही है ऐसा, खुदा नहीं बनाया, नऊद बेला, खुदा की इश्क ऐसा नहीं है हमारा कि इस मंदिर का हो, ऐसे आशिक हो जाए, ऐसे आशिक हो जाए, कि हम हमको अल्लाह बनाने लगे, अल्लाह की मंदिरों में दाखिल करने लगे, पर कराए गए एक दलिया पेश करूँ अल्लाह की मैदानियत पर, ऐसी बात नहीं है, इसलिए ये उल्लू की मंदिर में जाना ये धर्म सही नहीं है, उनको जो मरतबा है उतना ही मानना है, ये अल्लाह मोहताज है अपनी हिफाजत में किसी का मोहताज, ये छोटी बात बहुत सामने वाली दलील, आपने आप क्यों कायम करें आपके सामने तो कायम तवज्जो की जरूरत है, कुरान पढ़ते हैं अलहमदिल्ला क्या वफादार रखो का भी असाबित थी पूरा वाक्य पढ़ाया हाथियों का क्या हुआ, कोई आया था बचाने के लिए अल्लाह के घर को, कोई बचाने के लिए आया था नहीं, कोई नहीं आया था अल्लाह को बचाने के लिए, खुद अल्लाह ने बचाया था, अल्लाह के घर को कोई बचाने के लिए नहीं आया था, अब जरूरत थी इसलिए कि ये तो सब बाद में आने वाले हैं, मगर पहले अल्लाह के घर को कितने नहीं बचाया, बल्कि खुद अल्लाह ने बचाया, खुद अल्लाह बचा करके बताना चाहता है कि मैं वो अकबर हूँ अल्लाह अकबर, कि मैं किसी के मुकाबले में डरता नहीं हूँ, सब मेरे बाल हैं, मगर हाँ अगर कोई इस मंदिर पर पहुंच जाए तो मैं उसे अपना भी इल्म भी दे देता हूँ, अपना सब कुछ है मगर बस खुदा ही, जिंदाबाद सब कमाल आते इलाही का मजा, कब ऐसी थोड़ी था कमाल आते इलाही का मजा, कह दो कि हम अरे साहब ये पुकार रहे हो, ये पुकार रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो, क्या आवाज दे रहे हैं, नादे अरियल नजर आ जाए बस एक बात हो, नादे अरियल नजर आ जाए आवाज दो अली को जो मजा आ जाए, आ जाए बात का मजा है, तो ये अजाब क्या जाए क्या है, अजीब की जमा है, अजीब कैसी चीज होती है, हाँ अजीब है, ये अजीब ऐसा लफ्ज है कि जिसकी तारीफ और ट्रांसलेशन भी बड़ा मुश्किल है, यानी नामुमकिन है कि तुम अजीब की तारीफ कर सको, जो तुम्हारी आंखों की फिक्र से बिल्कुल बाहर हो, कोई अजीब है तो 99 में नहीं है 100 में होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, तो इसलिए शर्म में पड़ जाती है, तो मौला को भी शक अच्छा नहीं है, कि मुझे आवाज दोगे तो मैं मदद के लिए आऊंगा, तो मुझे बुजुर्ग देंगे तुम पहले से चेक करने लगते हो, होगा या नहीं होगा, अकीदा भी तुम्हारा इतना बरस है और उसके बाद भी शक है, जब होगा या नहीं होगा तो अल्लाह ने मुश्किल है, नादे अलियन मजहर जाए कौन कह रहा है, अली से पूछ रही है, तशरीह में नहीं जाऊंगा, बस अली से कुश्ती है, अली से कुश्ती क्या है, वो भी अल्लाह का कलाम क्या है, पर अली से कुश्ती है अल्लाह के कलाम में, अल्लाह का कलाम बिल वास्ता अल्लाह का कलाम है, ये लफ्ज लिखिएगा बहुत सुंदर, अल्लामा आयतुल्लाह अली नदवी साहब ने तफसीर कुरान में लिखा, बड़ी बड़ी मारिफत वाला वे नदवी किताब लिखी, यानी कुरान पर वीदा बन करके नाजिल हुआ, हदीस डायरेक्ट जो है कलबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का कलाम हुआ, अल्लाह का कलाम हुआ,
अगर आप ना होते तो मैं कायनात को बंद ना करता। बहुत सी जगह बहुत से जुमले हैं अली से पूछी, यहाँ भी अली से पूछी है। ये क्या है नहाजे अली मजहर अजायब पुकारो अली को जो अजायबात के मजहर है, तो जो अजायबात के मजहर है उससे कहा जा रहा है। एक कहने वाला, एक जिससे कहा जा रहा है, एक जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है, चीजें हो गई। कहने वाला कौन? अल्लाह। नादे बुलाओ बाबे मुबालक से, नादा या यू नादे पुकारो, किसको पुकारो? कौन कह रहा है? रसूल से। किसको पुकारो? अली को पुकारो। अरे मुसलमानों रसूल को भी नहीं छोड़ा जा रहा, रसूल भी अपनी मुसीबत से अली का सहारा ले रहे हैं। अली को पुकारते हैं, अली को पुकारते हैं, अली को पुकारते हैं। अल्लाह दुष्ट आदमी है।
मेरे बंदों में दाखिल जन्नत पे आ जा। कौन है कैसा है कौन कह रहा है कि हमारा काम नहीं रखता है, हमें आपके लिए हमें आने को हिम्मत की बदामी है नहीं की बदामी अपनी तरफ से हिम्मत काम करें आराम काम करें जो फजीलत बयान करनी है इरशाद एलिवेंस से बयान करते हैं निशान से कौन बस हमारी मुफस्सिर ये आवाज कौन है किसके लिए है नसे मुतमईना कौन है। अगर आदमी खाए पिए होता है हर तरह के तेल सुकून होता है हर तरह के होता है हर तरह का आराम होता है सब कुछ आसाई के होती है घर घर होता है औलाद होती है सब कुछ है अब यहाँ यहाँ कोई भी नहीं है ना आवाज को क्यों ना हो दिया।
लड़कों अरे नारियां है हट कर दे Yes.